या देवी सर्वभूतेषु चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्ये 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 नमो नमः। शारदीय नवरात्रि के तीसरे दिन की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं एवं बधाइयां। माँ चंद्रघंटा का आशीर्वाद आप सभी के ऊपर सदैव बना रहे। आप सभी सुखी रहें, स्वस्थ रहें। माँ चंद्रघंटा का रूप अत्यंत कल्याणकारी और शांतिदायक होता है। इनके माथे पर अर्धचंद्र का आकार चिन्हित होता है, जिस कारण इन्हें चंद्रघंटा कहा जाता है। माँ चंद्रघंटा के शरीर का रंग स्वर्ण की तरह चमकीला है और इनके 10 हाथ हैं, जो कि खड़ग और अन्य अस्त्र शस्त्र से विभूषित हैं। सिंह पर सवार माँ चंद्रघंटा की मुद्रा युद्ध के लिए उद्वत रहने की है। इनकी पूजा करने से न सिर्फ घर पर सुख समृद्धि आती है, बल्कि रोगों से भी मुक्ति मिल जाती है। मन वचन कर्म और विधि विधान से माँ चंद्रघंटा की पूजा करने से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ दुर्गा ने माँ चंद्रघंटा का रूप तब धारण किया था जब दैत्यों का आतंक स्वर्ग पर बढ़ने लगा था। महिषासुर का आतंक और भयंकर युद्ध देवताओं से चल रहा था, क्योंकि महिषासुर देवराज इंद्र का सिंहासन प्राप्त करना चाहता था और स्वर्ग लोक पर अपना आधिपत्य जमाना चाहता था। जब देवताओं को इसका पता चला तो सभी परेशान हो गए और भगवान ब्रह्मा विष्णु और महेश के पास पहुंचे। त्रिदेवों ने देवताओं की बात सुनी और क्रोध प्रकट किया। कहा जाता है कि इसी क्रोध से त्रिदेवों के मुख से एक ऊर्जा निकली और उसी ऊर्जा से त्रिदेव एक देवी अवतरित हुई, जिनका नाम माँ चंद्रघंटा है। उस देवी को भगवान शंकर ने अपना त्रिशूल, विष्णु जी ने अपना चक्र, इंद्र ने अपना घंटा, सूर्य ने अपना तेज और तलवार और सिंह प्रदान किया। इसके बाद माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर का वध कर देवताओं और स्वर्ग लोक की रक्षा की, इसलिए इनका नाम चंद्रघंटा माता है। बोलिए जगदम्बे मात की जय, दुर्गा माता की जय। तो मित्रों, हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को आप अधिक से अधिक लोगों को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ऐसे ही नए नए वीडियो देखने के लिए। आप सभी को सादर जय श्री कृष्ण, सादर जय माता दी।